बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत सुंदर मूर्ति है और अंधेरी सा राजा देखने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक थी। अंधेरी में मैं रहती हूँ तो मुझे मैं हर साल आती भी हूँ, शायद ये लोग देखते नहीं हैं, पर मैं हमेशा आती हूँ और अपना माथा टेक के चली जाती हूँ। इस बार सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। वैसे बम्बई में तो मुझे सब कुछ पसंद है क्योंकि यहाँ पर सारे त्यौहार एक साथ मनाए जाते हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो। बहुत ही एक कंबाइंड सा एनवायरनमेंट होता है बॉम्बे में, जो बाकी शहरों में आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि मैं एक दूसरे शहर से आई हूँ तो मुझे पता है कि बाकी शहरों में क्या होता है, लेकिन गणेश उत्सव में जो जोश और प्रोत्साहन देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। खैर, बड़ी मूर्तियों का तो मुझे पता है थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन छोटी मूर्तियां जहाँ तक कि हो सके मुझे लगता है घर में विसर्जित करनी चाहिए, उन्हें बाल्टियों में विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करेंगे तो नेचर भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा, सो इट वर्क्स बोथ वेज़। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएँ इस प्लैनेट अर्थ पर, तो हमें जितना कम पोल्यूशन हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो अपने परिवार के लिए और सबकी खुशी के लिए ज़्यादातर मांगती हूँ, और मैं यूजुअली ये प्रे करती हूँ कि लोग कम गुस्सा हों, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा रहते हैं स्पेशली शहर में, तो कम गुस्सा रहें, लोग खुश रहें बस, और गुजरते हैं। मैं फैंस को बस ये मैसेज दूंगी कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने साथ खिलवाड़ की वरना आप उम्मीद रख सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ एक इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाएं, और हैप्पी गणेश उत्सव टू ऑल।